मारवाड़ी सेवा समिति गोरखपुर द्वारा कर्मयोगी अग्रकुल प्रवर्तक श्री श्री 1008 महाराजा अग्रसेन की 5143वीं जयंती के अवसर पर शनिवार और रविवार को एक निजी प्रतिष्ठान में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संबंध में मारवाड़ी सेवा समिति के अध्यक्ष गौरी शंकर सरावगी ने बृहस्पतिवार को बैंक रोड में एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर बताया कि सिविल लाइन्स स्थित एक निजी प्रतिष्ठान में विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों के लिए अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं तथा विद्यार्थियों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित प्रतियोगियों का उत्साहवर्धन एवं सम्मान किया जाएगा और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मारवाड़ी सेवा समिति के अध्यक्ष गौरी शंकर सरावगी ने कहा, मैं गौरी शंकर सरावगी, अध्यक्ष मारवाड़ी सेवा समिति गोरखपुर। मारवाड़ी सेवा समिति गोरखपुर द्वारा शनिवार 28 सितंबर 2019 को महाराजा अग्रसेन जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन गोकुल अतिथि भवन सिविल लाइन्स गोरखपुर में किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक आयु वर्ग के प्रतिभागियों के लिए अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएँ कार्यक्रम रखे गए हैं, जो 3:30 बजे अपराह्न से शुरू होगा और 9:30 बजे तक चलेगा। उसमें रात को 8 बजे से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के मेधावी विद्यार्थियों का, जो यूपी बोर्ड में 75% से अधिक नंबर पाए हों या अन्य बोर्डों में 85% से अधिक नंबर पाए हों या किसी प्रतियोगी परीक्षा में चयनित हुए हैं, ऐसे लोगों का उत्साहवर्धन और सम्मान किया जाएगा और उनको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे दंपतियों का जिन्होंने स्वर्ण जयंती वर्ष, वैवाहिक जीवन के स्वर्ण जयंती वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, उनका सम्मान किया जाएगा और अभिनंदन किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों का जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा कोई काम किया हो जिससे समाज को प्रेरणा मिलती हो, ऐसे व्यक्तियों का भी सम्मान किया जाएगा। इसके उपरांत रात को 9:30 बजे भोजन की व्यवस्था है। भोजन करने के उपरांत शनिवार का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। फिर रविवार को प्रातः 8:30 बजे अग्रसेन तिराहा बैंक रोड पर महाराजा अग्रसेन जी महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाएगा, सभी अग्रबंधु उसमें शामिल होंगे। और शाम को 6 बजे महाराजा अग्रसेन जी महाराज का जुलूस का भव्य स्वागत विजय चौक पर किया जाएगा।